ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 अगस्त रविवार के राशि फल के बारे में कि यह दिन मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से इनको फायदा होगा, किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बना सकें। दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नई नई वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए रविवार का दिन। सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों, आज कुछ राजनीतिक लोगों से मुलाकात आपकी लोकप्रियता को बढ़ाएगी, साथ ही जनसंपर्क का दायरा भी विस्तृत करेगी। संतान की तरफ से उनके करियर को लेकर आज कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। आपका सिद्धांतवादी दृष्टिकोण समाज और धार्मिक स्थल में आपको सम्मानजनक उपाधि प्रदान करवा सकता है। साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आज आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधित कोई रुका हुआ काम पूरे होने की आज संभावना है। दोस्तों, आज के दिन का समय आपको अच्छे बुरे की समझ दे रहा है, साथ ही भाग्य और संतान संबंधित कामों में भी सुविधा प्रदान कर रहा है। आपका विवेक और आदर्शवादी स्वभाव आपके लिए आज महत्वपूर्ण उपलब्धियां दिलाएगा। दोस्तों, आज ग्रह स्थिति आपके लिए काफी संतोषजनक है। जो लोग आपके खिलाफ थे आज वही आपके पक्ष में आएंगे और संबंधों में भी काफी सुधार आएगा। सभी काम आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होते हुए चले जाएंगे। दोस्तों, भावुकता की बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण आपके कामों में सहायक रहेगा। आपकी सकारात्मक व संतुलित सोच आपको आगे बढ़ने और अपने कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने में मदद करेगी। दोस्तों, घर में किसी धार्मिक उत्सव के आयोजन की भी आज योजना बनेगी। आप दोबारा से अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। साथ ही रुकी हुई बड़ी पेमेंट आज मिलने से आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार आ जाएगा, जिससे आपको काफी सुकून मिलेगा और आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों, किसी भी प्रकार की उधारी से आज दूर रहें। धन के लेन देन संबंधी कार्य करने से छल या धोखे के आप शिकार हो सकते हैं। कोई भी काम करने में ज्यादा सोच विचार में समय ना लगाएं, इससे समय आपके हाथ से निकल सकता है। सामाजिक रिश्तों को मधुर बनाकर रखना आवश्यक है। कभी कभी कुछ नकारात्मक पुरानी बातें दोबारा उठ सकती हैं, जिसकी वजह से आप अपने मनोबल में काफी हद तक कमी महसूस करेंगे। अपने स्वभाव को पॉजिटिव बनाकर रखें। दोस्तों, इस बात का भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपके सरल स्वभाव का कुछ लोग नाजायज फायदा उठा सकते हैं, जिससे आपकी मन स्थिति कुछ विचलित हो सकती है। दूसरों के मसले सुलझाने में आपके कई महत्वपूर्ण काम भी रुक सकते हैं। दोस्तों, किसी के साथ कोई वादा किया है तो अवश्य पूरा करें, नहीं तो समाज में आपकी छवि बिगड़ सकती है और कुछ लाभदायक मौके भी आपके हाथ से निकलने की आज संभावना है। दोस्तों, साथ ही साथ दिखावे की प्रवृत्ति से भी आप दूर रहें। इस समय धन संबंधी कुछ नुकसानदायक स्थितियां प्रतीत हो रही हैं, इसलिए किसी भी प्रकार के निवेश को आज फिलहाल टाल दें। संपत्ति संबंधित विवाद के मामलों में भी ध्यान रखें कि भाइयों के साथ संबंध खराब ना हो।
बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान रखने की अति आवश्यक है। उनकी कुछ गलत आदतें या संगत उन्हें परेशानी में डाल सकती हैं। उन्हें सकारात्मक कार्यों में व्यस्त करना अति आवश्यक है, जो उनके भविष्य के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। दोस्तों, घर का माहौल अनुशासित और आज खुशनुमा रहेगा। प्रेम संबंधों में मर्यादा बनाकर रखना आवश्यक है। आपकी समस्याओं को सुलझाने में आपके जीवन साथी व बच्चों का पूरा सहयोग रहेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास काफी अच्छा बना हुआ रहेगा। दोस्तों, नजदीकी रिश्तेदारों से मेल मिलाप और घूमने फिरने का आज प्रोग्राम बन सकता है, जिससे घर परिवार में वातावरण खुशनुमा और सुखद बना रहेगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज आपका व्यवसाय करियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों, कार्य स्थल पर लिए गए ठोस निर्णय बेहतरीन साबित होंगे और कामयाबी भी आपको अवश्य मिलेगी। आज मार्केटिंग तथा पेमेंट कलेक्ट करने जैसे कार्यों में समय अधिक व्यतीत करें। शेयर व रिस्क प्रवृत्ति वाले कामों से दूर रहें। आपके साथ छल या धोखाधड़ी हो सकती है। नौकरी में किसी प्रकार के स्थान परिवर्तन या तबादले की भी आज स्थितियां बन रही हैं। कार्य स्थल पर किसी पड़ोसी के द्वारा लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति बन रही है। कुछ कानूनी या निवेश संबंधित जटिलताओं का भी आज आपको सामना करना पड़ सकता है। व्यवसायिक कार्य प्रणाली में बदलाव लाना आपके लिए आवश्यक है, जिससे और अधिक बेहतर परिणाम आपको हासिल हो सके। दोस्तों, व्यवसायिक प्रतिष्ठान में अनुभवी और परिवार के वरिष्ठ जनों की अनुमति और सहमति से कार्य करने से काफी समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी। धन के लेन देन संबंधित कार्य में अचानक से कोई लाभदायक स्थिति आज बनेगी, जिससे आपको काफी खुशी का अनुभव होगा। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में जो आप बदलाव संबंधित योजनाएं बना रहे हैं, उन सभी पर अमल करने का आज उचित समय नहीं है। इस समय अपनी अधिकतम ऊर्जा निवेश संबंधित कार्यों में लगाएं। वर्तमान गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आज आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु फिर भी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखना आपके लिए अति आवश्यक है। इसके लिए आप अपने खान पान पर ध्यान दें और आप अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए रोजाना योग करें, व्यायाम करें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेष उपाय क्या है। दोस्तों, आज आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद बड़ का एक पत्ता तोड़ें। इसके बाद आप इस एक बड़ के पत्ते को साफ जल से या फिर गंगा जल से धोएं। इसके बाद आप इस बड़ के पत्ते पर चंदन से अपनी मनोकामनाएं लिखकर बहते हुए जल में भगवान सूर्यदेव का स्मरण करते हुए प्रवाहित करें और साथ ही साथ अपनी मनोकामनाएं भी मांगें। या दोस्तों, ऐसा करने से भगवान सूर्यदेव बहुत जल्द प्रसन्न होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे। जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, समस्त परेशानियों को अंत करेंगे और आपको जल्द ही शुभ फलों की प्राप्ति होंगी और आपके समस्त कार्य बहुत ही आसानी से बनने लगेंगे। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।